दोस्तों आपको क्या लगता है, किसी भी युद्ध में जीत के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? अच्छे हथियार, परफेक्ट स्ट्रेटजी या फिर एक परफेक्ट प्लान की? और ऐसा इसराइल के पास क्या नहीं है जो कि अब इसराइल इस युद्ध में कमजोर पड़ रहा है? दोस्तों इसराइल के पास दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस टीम है जिसे हम मोसाद के नाम से जानते हैं। इसराइल के पास आधुनिक हथियार भी हैं और तो और इसराइल के संबंध भी मजबूत देशों के साथ अच्छे हैं, फिर भी वो इस युद्ध में पिछड़ रहा है। असल में आपको बता दें कि इसराइल ने शुरुआत में सोचा था कि हमारे पास दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस टीम है, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ हथियार है, और इस चक्कर में उसने अपने दुश्मन यानी कि हमास को कमजोर समझने की सबसे बड़ी भूल की थी। और हमास को कमजोर समझना इसराइल के लिए उसकी अब तक की सबसे बड़ी भूल हो गई है। इसराइल को अब तक हमास और हिजबुल्ला ने मिलकर काफी झटके दिए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने IDF यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स की नाक में दम करके रख दिया है। IDF एक सदमे से बाहर निकलता है तो हिजबुल्ला उस पर दूसरा हमला कर देता है। हिजबुल्ला ने हाल ही में इसराइल पर बैक टू बैक 31 मिसाइलें दागी हैं, जिनका IDF पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस हमले में IDF के कुछ जवान बहुत बुरी तरह घायल हो गए हैं। इसराइल संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि इसराइल के ऊपर एक हमला और होता है, लेकिन इस बार इसराइली सैनिकों की किस्मत काम कर जाती है और उन सैनिकों को कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें कि इस हमले में इसराइल को अपने हथियारों का अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा है। शुरुआत में मीडिया ने बहुत बार इस चीज के बारे में बताया कि इसराइल के सैनिक खास ट्रेनिंग से गुजरे हैं, उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। एक मीडिया चैनल का तो ये तक कहना था कि इसराइली सैनिकों के आगे हिजबुल्ला के लड़ाके 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। जब दोनों दुश्मन देशों के सैनिकों का आमना सामना हुआ तो इसराइल के सैनिक हिजबुल्ला के आगे पानी भरते हुए नजर आए। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का कहना है कि हमास के लड़ाके इसराइल के सैनिकों से कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। हिजबुल्ला के लड़ाकों में कई लड़ाके ऐसे भी हैं जिन्हें इस दुनिया के हर खतरनाक से खतरनाक हथियार चलाने में महारत हासिल है। हिजबुल्ला के लड़ाकों से वैसे भी कोई भिड़ना नहीं चाहता है क्योंकि ये लड़ाके किसी को नहीं छोड़ते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने लेबनान के कुछ लोगों के साथ मिलकर इसराइल पर कुछ बम धमाके किए थे। और आपको बता दें ये बम धमाके कोई आम बम धमाके नहीं थे, बल्कि ये धमाके ऐसे थे कि बड़े बड़े लोग इन धमाकों की वजह से हार्ट अटैक से मर रहे थे। और वैसे भी हिजबुल्ला इसराइल की नापाक हरकतों से उससे चिढ़ा हुआ है, जिस वजह से वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और धमाकों पर धमाके करता जा रहा है। दोस्तों इजरायली सैनिकों ने एक प्लान के मुताबिक हमास को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात जैसे ही हमास को समझ में आई वैसे ही हमास ने अपनी पोजीशन ले ली और इजरायल पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में इजरायल ने अपने बेस्ट ऑफिसर्स को भी खो दिया। आपको बता दें कि इन हमलों के बाद नेतन्याहू ने इजरायल की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जिसने भी ऐसा गंदा काम किया है उसका इससे भी बुरा हाल होगा। हालांकि एक दो हमले इसराइल ने भी किए थे लेकिन उनसे कुछ खास असर नहीं हुआ। हमास के मुताबिक ये हमले खाली जगह पर किए गए थे और इसराइल ने हमले इसलिए किए थे कि वो इन हमलों के माध्यम से अपने दुश्मन पर पकड़ बनाए रखे। इसराइल के हमलों से तो कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हमास द्वारा किए गए धमाकों से इसराइल बुरी तरह दहल गया था। इसराइल में इन धमाकों से इसराइली सैनिकों में काफी डर का माहौल है। इस हमले में लेबनान का भी हाथ था। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान इसराइल के ऊपर किए गए हमलों के बाद खुलकर सामने नहीं आ रहा है। कुछ खुफिया सूत्रों की माने तो इन खतरनाक हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। इन हमलों के बाद इसराइल में गम का माहौल है, इसराइली सैनिकों में हलचल मच गई है। इसराइल अब अपने अगले कदम पर फोकस कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से यह भी पता लगा है कि हमास के कुछ हमलों की वजह से इसराइल के कुछ सैनिक एक जगह पर फंस गए थे। हालांकि बाद में IDF ने उन्हें निकाला और एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। सैनिकों को हल्की फुल्की चोट आई थी। दोस्तों आपको बता दें कि हर तरफ से इसराइल का नुकसान होने की वजह से नेतन्याहू के सारे प्लान्स फेल हो चुके हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि आखिर अब अगला कदम क्या होना चाहिए। दोनों देशों के बीच एक अफवाह और उड़ी है कि अब दोनों देश इस लड़ाई से एक लंबा विराम चाह रहे हैं। हालांकि इस बात के बारे में अभी भी खुलकर किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो इतनी घमासान लड़ाई के बाद अचानक हमास आखिर विराम क्यों चाहेगा? अभी तक दोनों देश एक दूसरे को मिटाने पर तुले थे। हमास के पास वैसे भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमास को हथियार और फंडिंग ईरान दे रहा है, लेबनान उसे सैन्य बल से सपोर्ट कर रहा है, तो फिर हमास इस युद्ध को रोकना क्यों चाहेगा? हो सकता है कि युद्ध रोकने के पीछे दोनों देशों की अपनी अपनी कोई बड़ी चाल हो, और वो चाल क्या है ये तो युद्ध विराम के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि हाल ही में हमास की तरफ से इसराइल के दक्षिणी बॉर्डर पर एक हमला और हुआ, लेकिन इस हमले में सैनिकों का कोई नुकसान नहीं हुआ।
ये हमला खाली जमीन पर किया गया था, या फिर ये भी हो सकता है कि हमास द्वारा इसराइल के सैनिकों को डराने के लिए ये हमला किया गया हो। वैसे भी हमास के पास इस समय बहुत हथियार है और ये सब ईरान की मेहरबानी है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इसराइल में हिजबुल्ला के नाम का खौफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले भी इसराइल के कुछ इलाकों में कुछ इस कदर तबाही हुई थी कि उस समय कोई भी मीडिया उन जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने को राजी नहीं था और ना ही कोई सैनिक इस लोकेशन पर रिपोर्ट करने को राजी था। तब इस जगह की निगरानी ड्रोन के द्वारा दिन रात की जा रही थी। लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य होने के बाद वापस से सैनिकों ने इस जगह को अपना अड्डा बना लिया। दोस्तों बता दें, परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि इसराइल और हमास के बीच जारी जंग और गंभीर हो सकती है। लेबनान का संगठन हिजबुल्ला भी इस युद्ध में तबाही मचाने के लिए बेकरार है। हमास की तरह ही इस संगठन को भी ईरान का समर्थन हासिल है। फिलहाल ये संगठन अभी सिर्फ बॉर्डर पर है, लेकिन किसी भी समय हिजबुल्ला हमास की तरह इसराइल में घुसकर उससे जंग कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसराइल के लिए ये एक बड़ी मुसीबत सामने खड़ी होगी। इसलिए इसराइल के राजनीतिक और सैन्य नेता जहां एक तरफ अगले कदम पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं उनकी नजरें हिजबुल्ला पर भी टिकी हुई है। बता दें, इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर किसी भी समय हलचल हो सकती है। कई जानकार मानते हैं कि अगर हिजबुल्ला और हमास एक साथ युद्ध में आ गए तो फिर परिस्थितियां और खतरनाक हो जाएंगी, क्योंकि इसराइल के पास सैन्य शक्ति कम हो गई है। इसलिए इसराइल ने अब अपनी सेना को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर भर्ती केंद्र बना रखे हैं। भारत से भी कई नौजवान इसराइल के इस भर्ती कैंप में गए हैं। एक तरफ इसराइल अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान सीमा पर हिजबुल्ला के लड़ाके टैंक और मिसाइलों के साथ जुट गए हैं। हिजबुल्ला के पास हजारों रॉकेट और मिसाइलें हैं, जो इसराइल में लगभग कहीं भी निशाना लगाने में सक्षम है। इस संगठन को हमास की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। लेबनान में एक नए मोर्चे की संभावना ने साल 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच एक महीने तक चले भयानक युद्ध की कड़वी यादें फिर से ताजा कर दी है। ये दोनों पक्षों के बीच गतिरोध और तनावपूर्ण माहौल बढ़ा रहा है। पिछले 6 दिनों से इसराइल ने गाजा की घेराबंदी करके रखी है। बता दें, 7 अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर हमास के शुरुआती खतरनाक हमले के जवाब में इजरायली सेना की तरफ से अब तक सैकड़ों हवाई हमले किए गए हैं। इसराइल की सेनाएं 30 लाख फिलिस्तीनियों की आबादी वाले इलाके को निशाना बना रही है। ये जानकारी कुछ खास मीडिया के लोगों ने दी है। उनके मुताबिक अगर हिजबुल्ला ने इसराइल पर किसी भी तरह की बमबारी की तो शायद इसराइल इस बार फिलिस्तीनियों पर भयानक तरीके से बमबारी करेगा, और वो ये भी नहीं देखेगा कि इसमें कितने लोग मर रहे हैं और कितने जी रहे हैं। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि इसराइल के लिए करो या मरो की कंडीशन सामने है। अगर इसराइल अब अच्छे से जवाब नहीं दे पाता है तो इसराइल का खत्म होना लगभग तय है। इस बात को बहुत पहले इसराइल के ही एक सलाहकार ने नेतन्याहू से कहा था, लेकिन उस समय नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े थे कि हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे और हमास का नामो निशान इस धरती से मिटा देंगे। और नेतन्याहू के इस बड़बोलेपन की वजह से आज पूरा इसराइल खतरे में है। दोस्तों, इस समय इसराइल बहुत बुरी स्थिति में है। इसराइल के बारे में कई देशों का कहना है कि अभी भी समय नहीं गया है, इसलिए इसराइल को ईरान और हमास के साथ बैठकर इस मामले को सुलझाना होगा और पुरानी कुछ बातें भूलनी होगी। अगर ऐसा होता है तो इसराइल के साथ साथ कई देशों के लिए अच्छा होगा, वरना अगर युद्ध होता है तो इसराइल की बर्बादी तो लगभग तय है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इसराइल में क्या होने वाला आने वाले समय में, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।